प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास की संवाद योजना पर बात करेंगे। केशवदास की संवाद योजना पर विश्वविद्यालय परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि केशव की संवाद योजना पर अपने विचार लिखिए, या केशव की संवाद योजना हिंदी साहित्य में अनूठी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, या रामचंद्री का संवाद योजना की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रबंध काव्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम केशव की संवाद योजना पर आज चर्चा करेंगे। केशवदास जो है वो हिंदी साहित्य जगत के संवाद सम्राट है। उनके जैसे संवाद योजना जो है हिंदी साहित्य में अन्य कवियों के द्वारा नहीं की गई है, और उनकी संवाद योजना हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। केशव आचार्य कवि थे, पर मूल रूप से उनकी प्रतिष्ठा आचार्यत्व के रूप में थी, पर उनके कवित्व रूप की प्रतिष्ठा में जिन विशिष्टताओं का योगदान है उनमें उनकी संवाद योजना सबसे प्रमुख है, सर्वोत्कृष्ट है। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, और अलंकार उन्हें अत्यधिक प्रिय था। अलंकार उनके अनुसार कविता के लिए अनिवार्य था। इसी कारण केशव की कविता में उक्ति वैचित्र्य और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है, और केशव के काव्य में उक्ति वैचित्र्य, चमत्कार प्रदर्शन व पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति को देखकर ही हिंदी के जो आलोचक है वो केशव पर कठिन काव्य के प्रयत होने का आरोप लगाते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी केशव के काव्य पर क्लिष्ट होने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। ऐसा आक्षेप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा केशव पर लगाया गया है कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। कवि हृदय कवि की में जो एक सरसता भावुकता होनी चाहिए वो उनमें नहीं थी, और रामचंद्रिका में जो है उन प्रबंध पटुता नहीं है, क्योंकि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्षों की ओर केशव का ध्यान गया ही नहीं है। ये ऐसा आक्षेप जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा केशव की काव्य पर केशव पर लगाया गया है। तो केशव के काव्य के या केशव के काव्य पर कठिन होने केशव के कलिष्ठ कठिन काव्य का प्रयत होने का आक्षेप लगाने वाले तमाम आलोचकों को केशव की ओर से अगर उत्तर दिया जा सकता है सबसे अच्छा, तो वो केशव की संवाद योजना ही है। केशव की संवाद योजना की श्रेष्ठता को उनके विरोधी आलोचक भी एक मत से स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है संवादों में, और इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, तथा वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। केशव चूंकि दरबारी कवि थे, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे, और दरबार में रहने के कारण दरबार की कूटनीति, दरबारी सभाओं के दाव पेच, वाक चातुर्य, शिष्टाचार और राजनीतिक दाव पेच से वो अच्छी तरह परिचित थे, और इसके कारण ही केशव में जो है व्यवहार कुशलता, वाग विदग्धता,
उक्ति वैचित्र्यता, उक्ति वैचित्र्य, वैचित्र्यता गलत शब्द है, वैचित्र्य कूटनीतिज्ञता जैसे गुण विकसित हो गए थे, और ये सभी गुण जो है उनकी संवाद योजना को उत्कृष्ट बनाते हैं। जैसे अगर अपन उदाहरण स्वरूप देखें तो केशव के दरबारी अनुभव ने ही उनके रावण अंगद संवाद को जो है वह तुलसीदास के रावण अंगद संवाद से भी उत्कृष्ट बनाया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में अंगद रावण संवाद में अंगद एक दूत है राम जी का, तो अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति पर इतना अधिक जोर दिया है कि रावण के दरबार में रावण जैसे बड़े प्रतापी बलशाली राजा के रावण में अंगद दूत बनकर जाता है, और वहां भी वो जो है शिष्टाचार का उल्लंघन करता है और रावण को मैं दसन तोरि बे लायक, रावण को दांत तोड़ने की धमकी भी देता है, जो कि एक दूत का धर्म नहीं है, दूत के लिए अनुचित है। और फिर रावण जैसे शक्तिशाली बलशाली राजा के दरबार में दूत का ये व्यवहार तो बिल्कुल अनुचित सा लगता है, लेकिन केशव के अंगद रावण संवाद को अगर अपन देखें तो केशव के अंगद रावण संवाद में अंगद जो है वह वाक्पटु है, चतुर है, परंतु वह दूत धर्म का निर्वाह करता है, और कहीं भी इस तरह से रावण के प्रति कटुक्तियों का कथन नहीं करता है। तो केशव की संवाद योजना में ये जो उत्कृष्टताई है इसका कारण है उनका दरबारी अनुभव। दरबार में रहते थे तो दरबारी शिष्टाचार को वो जानते थे, और एक राजा के दरबार में एक दूत को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, दूत का क्या धर्म होना चाहिए, वो उससे अच्छी तरह परिचित थे, और इसी कारण वह जो व्यवहार कुशलता है, वाक्पटुता है, कूटनीतिज्ञता है, वो उनके संवादों में दृष्टिगत होती है। डॉक्टर बड़छवाल ने केशव के संवाद शोस्तर की प्रशंसा करते हुए भी लिखा था कि केशव की बुद्धि प्रखर और दरबारी होने के कारण उनका वाक् वेदज्ञ ऊंचे दर्जे का था, वाक्पटुता जो थी वो उनमें बहुत ऊंचे दर्जे की थी, उच्च स्तर की थी, और उसका कारण था एक तो बुद्धिमान थे, प्रखर बुद्धि से युक्त है, और दूसरी उनका दरबारी अनुभव। रामचंद्र जी का सुंदर और सजीव वार्तालापों से भरी हुई है लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद, लव विभीषण संवाद, सब एक से एक बढ़कर है। अब रामचंद्रिका में संवाद योजना की बात की जाए तो केशवदास की संवाद योजना का सबसे उत्कृष्ट रूप जो है वो उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य में ही दृष्टिगत होता है, और संवादों की दृष्टि से रामचंद्रिका का हिंदी साहित्य जगत में एक अद्वितीय स्थान है, और मैं यूं कहूं कि संवाद ही रामचंद्रिका के प्राण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि रामचंद्रिका में जिन 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 स्थलों पर संवादों की योजना की गई है वहां रामचंद्रिका की जो काव्य भूमि है वो सामान्य धरातल से उठकर के उच्च भाव भूमि, उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित हो गई है। तो केशवदास ने रामचंद्रिका में अभिनयात्मक प्रणाली का प्रयोग कर अपने पांडित्य और मौलिकता का परिचय दिया है। रामचंद्रिका आद्यंत यानी आदि से शुरू से लेकर के अंत तक एक से बढ़कर एक संवादों से परिपूर्ण है, फलत रामचंद्रिका नाटक की सजीवता से आकर्षक हो गई है, और संवादों के कारण जो है रामचंद्रिका में सहजता, सरलता और बोधगम्यता जैसे गुणों का सन्निवेश हुआ है, रोचकता उसमें बड़ी है। संवादों के कारण रामचंद्रिका में नाटकीयता का गुण आया है, और जिसके कारण पाठक को आह्लादित करने की क्षमता
और पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता रामचंद्रिका में उत्पन्न होती है। रामचंद्रिका के जो संवाद है उनमें सरलता, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, व्यंग्यात्मकता, भावाभिव्यंजकता, चरित्राभिव्यंजकता, वाक्पटुता आदि गुण दिखाई देते हैं। और रामचंद्रिका के जो संवाद है वह एक तो कथानक को गति प्रदान करते हैं, कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से कथा जो है राम कथा वो आगे बढ़ती है। दूसरा, पात्रों के व्यक्तित्व का उद्घाटन करते हैं। संवादों के माध्यम से केशव ने पात्रों के आंतरिक भावों की सूक्ष्म व्यंजना की है, जिसकी वजह से उन पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय पाठक को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। रामचंद्रिका में मुख्य रूप से 12 संवाद प्रयुक्त हुए हैं। उनमें से भी 8 जो संवाद है वो प्रमुख है। रामचंद्रिका में जो संवाद योजना है वो ये है कि दशरथ विश्वामित्र संवाद, सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, विश्वामित्र जनक संवाद, परशुराम वामदेव संवाद, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, कैकेयी भरत संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, रावण हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद और लवकुश विभीषण आदि संवाद। ये 12 संवाद है। इनमें से भी रावण बाणासुर है, परशुराम वामदेव है, परशुराम राम लक्ष्मण है, कैकेयी भरत है, सीता रावण है, रावण हनुमान है, रावण अंगद है और लवकुश विभीषण संवाद है। ये 8 संवाद प्रमुख है। अब केशव के संवादों की विशेषताओं पर अगर बात करें अपन, तो अपन कह सकते हैं कि केशव के संवाद सरल, संक्षिप्त, सहज, भावाभिव्यंजक, चरित्रोद्घाटक आदि हैं। और इनको हम उदाहरण द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहली जो विशेषता है वो पात्र अनुकूल था। केशव के जो संवाद है वे पात्रों के अनुकूल है। संवादों की योजना पात्रों के अनुसार की गई है। पात्र का चरित्र जैसा है, पात्र का व्यवहार जैसा है, व्यक्तित्व जैसा है, उसके अनुसार ही संवादों की योजना की गई है। उदाहरण के लिए राम जो है, सॉरी रावण जो है वो दम्भी है, अहंकारी है, और इसी कारण जब वो सीता स्वयंवर में जाता है तो उसकी अहम भाव की, दम्भ भाव की जो अभिव्यक्ति है वे रावण की इस दर्पोक्ति में हम देख सकते हैं। रावण बाणासुर से कहता है कि शंभु को दंड दे राजपुत्र किते, टूक दे द्वे तीनी के जाऊं लंकाए में। रावण कहता है कि शंभु का धनुष कहाँ है और राजपुत्री सीता का है, मैं धनुष के, शिव जी के धनुष के 2-3 टूक करके उस सीता को लंका ले। तो इसमें उसका दम्भ भाव जो है वो झलक रहा है, तो ये उसके दम्भी अहंकारी जो स्वभाव है उसके अनुकूल है। एक उदाहरण अपन और देख सकते हैं कि सीता को जब रावण अपनी पटरानी बनाने के लिए प्रलोभन देता है, अनेक प्रकार से याचना करता है, तो सीता क्या कहती है कि तृण बिच दे बोली सिए गंभीर पानी, दस मुख सट को तू कोन की रजधानी, दशरथ सुत द्वेषी रुद्र ब्रह्मान भासे, निश्चर बपरा बपुरा तू क्यों नशो मूल ना। सीता एक पतिव्रता नारी थी और एक पतिव्रता स्त्री के लिए पर पुरुष की ओर देखना भी पाप माना जाता है। वे पर पुरुष को से बात भी करती है तो ओट से करती है, और सीता के पास अशोक वाटिका में
कोई ओट नहीं थी, इसलिए वो तृण बीच देव तृण की ओट बना करके रावण से बात करती। तो इसमें सीता की जो पतिव्रता है सीता स्त्री, तो एक पतिव्रता स्त्री के अनुकूल समाधि की योजना की गई है। तो इसमें भी पात्रा अनुकूलता का गुण दिखाया देता है। दूसरा है प्रसंगानुकूलता। केशव की संवाद योजना में एक मुख्य बात यह भी है कि उनके संवाद जो है प्रसंग के अनुकूल है। जिस तरह जहां पर जैसा प्रसंग चल रहा है उसी के अनुसार संवादों की योजना की गई है। एक उदाहरण अगर अपन देखें तो विश्वामित्र वैसे तो मुनि है, तपस्वी है और पुत्रेष्टि यज्ञ भी इन्होंने राजा दशरथ का संपन्न करवाया था, लेकिन जब वही विश्वामित्र राजा दशरथ से राम लक्ष्मण की याचना करने जाते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो चूंकि याचक बन के जाते हैं तो एक याचक के जैसे प्रसंग चूंकि याचना का है, तो याचक जिस भाव से अपने दाता की प्रशंसा करता है और बड़े याचना भाव से वस्तु मांगता है, वैसी ही याचना विश्वामित्र जी के द्वारा सुनो द्वान मानस हंस रघुवंश के अवतंस, मन मांग जो अति नेह, मन माह जो अति नेह, एक वस्तु मांग ही देव, सुनो दान मानस हंस। विश्वामित्र ने दशरथ को दान रूपी मानस का हंस बताया है, दान रूपी मानस में विहार करने वाले हंस हैं, और रघुवंश के अवतंस रघुवंश के कुलभूषण है, मन माह है। तो यहाँ पर पहले विश्वामित्र प्रशंसा करते हैं कि दशरथ की, और फिर कहते हैं कि आप अत्यधिक नेह है आपके मन में, तो एक वस्तु मांग ही दे। और राजा भी दशरथ भी फिर उसी के अनुसार चूंकि मुनि थे तो धन की कहते हैं कि जो भी चाहिए आपको लीजिए, सुमति मां मुनि सुनिए, तन मन धन सब गुनिए, मन मह कोई सो कहिए, धनी जो आपन लगे। तो प्रसंग के अनुकूल ये संवाद योजना है। व्यंग्यात्मकता, केशव की संवाद योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है व्यंग्यात्मक। केशव ने अपने पात्रों के द्वारा एक दूसरे पर व्यंग्य किए करवाए हैं और उन व्यंग्यों के माध्यम से उनके चरित्रों का उद्घाटन किया है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप अपन देख सकते हैं कि लव विभीषण में जब संवाद होता है, लव से विभीषण युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है, तो लव विभीषण पर क्या व्यंग्य करता है, आओ विभीषण तू रण दूषण, एक तू ही कुल को कुलभूषण। यहाँ विभीषण पर कुल को कुलभूषण कहकर के जो है व्यंग्य किया गया। विभीषण पर सबसे बड़ा आक्षेप इस दुनिया में क्या लगाया जाता है, घर का भेदी लंका ढाए, कि घर का जो भेद देने वाला है वही लंका जैसी वैभवशाली नगरी का विनाश कर देता है। तो कुल द्रोही होने का आक्षेप विभीषण पर लगाया जाता है, और यही बात जो है लव व्यंग्य में कह रहा कि एक तू ही कुल को कुल, इस संसार में एक तू ही तो व्यक्ति है जो कुल का की शोभा है, इसके अलावा और तो कोई कुलभूषण है ही नहीं संसार में, जूझ जुरे जे भल जी के शत्रु आए मिले तुमने के। तो इसमें लव के द्वारा विभीषण पर व्यंग्य किया गया। इसी तरह सीता को रावण जब अशोक वाटिका में एक तरह से प्रलोभन देता है, धमकियां देता है, तो सीता व्यंग्य करती है रावण की सामर्थ्य पर, रावण की शक्ति पर, और व्यंग्य स्वरूप सीता कहती है कि अति धनु रेक नेक नाकी नाकी न जाकी, खल खर सर धारा क्यों सहे तिच्छ थाकी, कि हे रावण हे दुष्ट, जिनके एक छोटी सी धनुष की रेखा भी तुझसे लांगी न गई, उनकी तीक्ष्ण बाण धारा को तू किस तरह से सहन कर।
इसी तरह व्यंजना का सौंदर्य इस पंक्ति में बड़ा मार्मिक अनूठा है कि जब रावण हनुमान के बीच संवाद चल रहा था तो रावण हनुमान से कहता है कि जब तू इतना ही वीर है तो फिर ब्रह्म पास में कैसे बन गया। तो हनुमान उत्तर देते हैं कि जो सुंदरी तेरी छुई दृढ़ शोभत पात्र ले। व्यंजना का इसमें बहुत अनूठा प्रयोग, ये केशव की बहुत बड़ी मौलिक की जो है कल्पना है। हनुमान उत्तर देते हैं कि मैंने हे रावण मैंने तुम तेरी स्त्री को सोते हुए देख लिया था और आंखों से छू लिया था, मतलब देख लिया था, और उसी के पाप के फलस्वरूप मुझे जो है बंधना पड़ा। ये तो सामान्य अर्थ हुआ, पर व्यंजना से ये अर्थ निकल रहा है कि मैंने तो आंखों से छुआ है, तूने तो ने हाथों से छुआ है पर स्त्री को और उसका अपहरण किया है, तो तेरी क्या दुर्गति होगी, तेरी क्या दशा होगी। ऐसा रावण पर व्यंग्यात्मक बात जो है हनुमान कह रहे हैं। तो यहाँ व्यंजना का सौंदर्य बड़ा अनूठा है। फिर चरित्रोद्घाटक का केशव के संवाद जो है वो चरित्रों पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं, पात्रों के चरित्र को पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं ताकि पाठक जो है पात्रों के चरित्र से अच्छी तरह से परिचित हो जाए, उनके चरित्र चित्रण में उसे किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। जैसे रे कपि कोन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, इसमें रावण अंगद हनुमान हो रहा है और रावण हनुमान से पूछते हैं कि रे कपि कौन तू, हे बंदर कौन है तू, अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू। व्याख्या खंड में भी अपन ने इसको देख लिया है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला और परम बलशाली प्रतापी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। अब रावण अनभिज्ञता प्रकट करता है, जैसे राम जो है तुच्छ है, इससे उसके दम्भी अहंकारी भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। तीसरा खर दूषण दूषण भूखो, और मैं तीसरा खर में जो है रघुनंदन कौन है, तो हनुमान कहते हैं कि तीसरा खरदूषण को मारने वाले समस्त सृष्टि के जो शोभा है, समस्त सृष्टि के जो राजा है प्रभु श्री राम वो है। तो सागर कैसे तरियो, रावण पूछता हनुमान से कि इतने विशाल सागर को कैसे पार किया, तो वो हनुमान कहता है जस गोपत, जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढा। काज कहा किस काम से आए, सीए चोरेंद्र सीता जी के चोर देखने के। तो इस संवाद के माध्यम से हम जो है राम हनुमान और रावण तीनों के चरित्र के की विशेषताओं से परिचित होते हैं कि राम जो थे वह बलशाली थे और समस्त सृष्टि के सम्राट थे, हनुमान जो है एक स्वामी भक्त है और अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रति स्वामी भक्ति रखता है, स्वामी भक्त वो सेवक है, इसके साथ ही वो बलशाली है, वाक्पटु है, निडर है, साहसी है। और रावण की बात करें तो रावण जो है चोर है और दम्भी है, अहंकारी है और व्यभिचारी है, दुराचारी है। ऐसे बहुत से चरित्र जो है वो इसके माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से उद्घाटित होते हैं। कूटनीति गेता या कूटनीति पूर्णता, तो केशव चूंकि दरबारी कवि थे और दरबार की राजनीतिक दाव पेश और कूटनीतिज्ञता से वह अच्छी तरह परिचित थे, तो कहा भी जाता है कि एक बार क्या है कि इनके आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की जो नर्तकी थी राय परवीन वो बहुत सुंदर थी और अंगद जो सॉरी अकबर जो है वह राय परवीन को अपने दरबार में अपने रम में उपस्थित करने के लिए कहता है। तो इंद्रजीत सिंह जी राय परवीन को भेजना नहीं चाहते थे, तो इसकी जिम्मेदारी वो केशव दास को देते हैं कि किसी तरह से इस मुद्दे को सुलझाया जाए, इस समस्या का समाधान किया जाए। तो केशव जो है ये एक दोहा लिख करके भेजते हैं कि विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, झूठी पातर भकत है बारी बाईस स्वान। कथन के राय प्रवीण की ओर से लिखा केशव दास ने कि राय प्रवीण के हे सहनशाह, हे चतुर सहनशाह,
सम्राट, राय प्रवीण की विनती सुनिए। झूठी पातर यानी झूठी पतल भगत यानी खाते हैं, बारी यानी पतल उठाने वाला, बायस यानी कौवा और स्वान यानी कुत्ता। झूठी पतल का भोग तो केवल कुत्ता, बारी और कौवा ही करता है। आप भी क्या इनमें, और राय प्रवीण को जो है अकबर के दरबार में नहीं जाना पड़ता। तो ऐसी वाक चतुरता उनमें थी, ऐसी तरह की कूटनीतिज्ञता जो है हमें रावण अंगद संवाद में देखने को मिलती है। जब अंगद रावण को समझाने के लिए रावण के दरबार में उपस्थित होता है और अपने काटे तर्कों से प्रभु श्री राम की वीरता बल पराक्रम का प्रभाव जमाता है, तो रावण भेद नीति का सहारा लेता है और अंगद को अपनी ओर मोड़ने के लिए कूटनीति का सहारा लेते हुए अंगद से कहता है कि तो सो सपूतन जाए के बलि बाली अपूतन की पदवी पगधारे, अंगद संग ले मेरो सभी दल, आज ही क्यों नहाने बहुमाए। रावण अंगद से कहता है कि तेरे जैसे सपुत्र को पैदा सपुत्र को पैदा करके सुपुत्र को पैदा करके भी बाली तो निपुता ही रहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अंगद कि तुम आज तू मेरी आज सारी सेना को ले जा और अपने बाप के जो हंता है पितृ हंता है राम, उनसे बदला ले अपने पितृ पिता की मृत्यु का, पिता के वध का। और इसके लिए रावण अपनी सारी सेना भी अंगद को देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह वो व्यंग्य भी करता है ताकि उकसाता है, भड़काता है अंगद को प्रभु श्री राम के। जो सुत अपने बाप को बेरन ले प्रकाश, तासो जीवत ही मरियो लोग कहे तजित्रास, कि जो अपने पिता के बेर का बदला नहीं लेता उसे तो वो तो जिंदा भी मर जाता है। उर्सी अंगद लाज कछु गौ, जनक घातक बात वृथा कहु, सहित लक्ष्मण राम ही सहरो सकल वानर राज तुम्हें कहु। इसमें भी रावण अंगद से कहता है कि हृदय में अंगद कुछ लज्जा धारण करो, अपने पिता के हत्यारे की बात तो मत कहो, कम से कम आज तुम राम लक्ष्मण को मार दो और सकल वानर राज जो है तुम अपने अधिकार में ले लो। भावाभिव्यंजकता, केशव के संवादों में भावाभिव्यंजकता का भी गुण है। भावाभिव्यंजकता से आशय कि केशव के संवाद जो है उनके पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। परशुराम राम संवाद से एक उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जब राम शंकर के धनुष को तोड़ करके सीता का वरण करते हैं सीता स्वयंवर में, और जब परशुराम को इस बात का पता लगता है तो उनकी उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो इसे अपने गुरु का अपमान समझते हैं और क्रोधाग्नि से भड़क उठते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति इस संवाद में है परशुराम के कि बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत थी, बान की वायु उड़ाई के लच्छन लच्छ करी अरिहा समरत थी, राम ही वाम समेत पटेवन कोप के भार में भूजो भरत थी, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथ। जिसमें परशुराम जो है कहते हैं कि मैं आज सारे रघुवंश को अपने कुठार की धारा में, कुल्हाड़े की धारा में डुबो दूंगा और आज मैं जो है दशरथ को अनाथ कर दूंगा उसके। तो इसमें जो है परशुराम के क्रोध की अभिव्यंजना हो रही है, उनका आंतरिक मनोभाव है क्रोध और उसकी अभिव्यक्ति इस संवाद में हो रही है। यही बात यहाँ पे है कि तोलो नहीं जो लहू तो रघुवंश को सोन सुधान पियो। परशुराम कह रहे हैं कि जब तक मैं रघुवंश के रुधिर रूपी अमृत का पान नहीं करूंगा तब तक मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो इसमें भी परशुराम के क्रोध भाव की अभिव्यंजना है। संक्षिप्तता सरलता भी केशवदास के संवादों की विशेषता है। जैसे बाली सॉरी अंगद रावण संवाद का ये उदाहरण कि कौन के सुत, रावण बाली अंगद से पूछता है कि किसके पुत्र हो, तो अंगद जवाब देता है कि बाली, मैं बाली का, हम बाली के पुत्र है। वह कौन बाली, कि वो बाली कौन लंबी था, तो अंगद आश्चर्यजनक रूप से पूछता है न जानिए,
और उसकी आप नहीं जानते, तुम नहीं जान पाए, उसे नहीं पहचान पाए। अंगद की वाक चतुरता भी इसमें दृष्टिगत होती है कि कहाँ के चाह भी तुम्हें जो सागर साथ नाद बुखानी, कि वही बलशाली बाली जो तुम्हें अपनी कांख में दगा होकर सात समुद्र में स्नान करते फिर रहे थे। फिर रावण अंगद को अपनी ओर करने के लिए पूछता है कि वो वीर कहाँ है, तो अंगद कहता है कि देवलोक बताए, क्यों गई हो यहाँ। रावण को पता था कि बाली का वध हुआ है, राम ने किया, तो वो अंगद को राम के विरुद्ध करना चाहता था, परंतु अंगद जो है बड़ी वाक चतुरता से उत्तर देता है और रावण को मौका ही नहीं देता। अंगद कहता है कि रघुनाथ बाण विमान बैठी सीधा है, रघुनाथ के प्रभु श्री राम के बाण रूपी विमान में बैठ करके पधार गए। तो इसमें चतुरता भी है और संक्षिप्तता सरलता भी, एक ही पंक्ति में दो पात्रों के संवाद दो बार प्रयुक्त हुई है, ये इसकी संक्षिप्तता है। और सरलता भी, कौन के सुत किसके बेटे हो, बाल के, वो कौन बाल। इसी तरह सरलता यहाँ भी प्रदर्शित होती है, अभिव्यक्त होती है। मातु कहा नृप की कैकेयी भरत संवाद से है, और भरत जो है अयोध्या में आने के बाद माता से पूछते हैं कि माँ तू कहाँ है, पिता राजा कहाँ है, पिता कहाँ है, तात गए सुरलोक, पिता तुम्हारे पिता सुरलोक गए, क्यों किस लिए, सुत शोक रहे, पुत्र शोक के कारण, सुत कौन सु और पुत्र कौन सा राम, कहाँ है अभी वन लक्ष्मण सिये समेत। तो इसमें भरत का कथन भी दो बार हो गया, कैकेयी का कथन भी दो बार हो गया, तो ये सरलता और संक्षिप्तता भी केशव के संवादों की विशेषता। तो हम कह सकते हैं कि केशव के संवाद सरल, संक्षिप्त, चरित्र उद्घाटक, भावाभिव्यंजक और अनुकूल, प्रसंगानुकूल और व्यंग्यात्मक है, कूटनीति से परिपूर्ण है। और ये केशवदास की प्रत्युत्पन्न मति और सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक है। धन्यवाद।